आपके अपने ही चैनल द एक्सेलेंस लर्नर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं समय समय पर आपके सिलेबस मटेरियल चैप्टर को यहां से अपलोड करता हूं, आपको अपडेट करता हूं, ताकि पढ़ाई के साथ साथ एग्जामिनेशन पीरियड में जो कुछ क्वेश्चन वगैरह आवे उसका हल आप आसानी से कर पाए। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। लास्ट में आपको एक इंफॉर्मेशन बटन, एक आई बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करने से प्रीवियसली जो भी कुछ मटेरियल, जो भी कुछ चैप्टर आपके सिलेबस का इस चैनल पर अपलोड किया गया है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए यहां पर एक एक्सप्लेन करेंगे एक पोएम को जो सीबीएसई बोर्ड 9 क्लास के सिलेबस का है, द रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ एक मेलोडियस पोएट्री है जिसको कि लिखा है C.Kinney ने। C.Kinney एक अमेरिकन पोएट थे और बड़ा ही स्वीट पोएम इन्होंने लिखा है। इस पोएम के माध्यम से अपने पुराने दिनों की यादों को वो ताजा करते हैं। पोएट एक छोटे से चैम्बर, एक छोटे से कॉटेज के एक चैम्बर में सोए हुए हैं। उस समय बारिश हो रही है, रात्रि का समय है और बारिश की बूंदों की जो टपटपाहट है, जो उसका पैटरिंग साउंड है, उसके माध्यम से कवि के मन में बहुत तेरी कल्पनाएं सृजित होती हैं, कल्पनाएं जगती हैं। उस कल्पनाओं को बड़े सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है कवि ने। आइए इस कविता को देखें उन्हीं के ही शब्दों में। इसमें तीन स्टेंजाज हैं, मैं स्टेंजा वाइज आपको अर्थ बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेंजा देखते हैं। When the humid shower hovered over the starry spheres and the melancholy darkness gently weep in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain over it. यह आपका पहला स्टेंजा, this is your first stanza. When the humid shadow means parchai, humid means full of moisture. इस दोनों शब्दों को मिलाकर कभी बता रहा है क्लाउड के बारे में। कैसा क्लाउड? द क्लाउड दैट इज फुल ऑफ रेन ड्रॉपलेट। हॉवर मींस मूव करना, घूमना। तो कभी कह रहा है जब बादल घूमता है ओवर द स्टारी स्फीयर, स्टारी मींस फुल ऑफ स्टार, स्फीयर मींस गोला। इस दोनों शब्द के माध्यम से कवि ने इंगित किया है स्काई को। सो व्हेन ओवर द स्काई क्लाउड मूव्स, कैसा स्काई? दैट इज फुल ऑफ स्टार मींस रात्रि का समय है। एंड द मेलोंकली डार्कनेस, मेलोंकली मींस शैड, डार्कनेस मींस अंधेरा, उस शैड अंधेरे में जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। हु जेंटली वीप्स? द स्काई वीप्स इन रेनी टीयर्स। एंड द पोएट हु इज स्लीपिंग इन ए कॉटेज चैम्बर फील ब्लीस, बड़ा अच्छा लगता है उनको, टू प्रेस द पिलो। इस बारिश के समय वो अंधेरे में, जब बारिश हो रही है और पोएट कॉटेज के अंदर सोया हुआ है बेड पर, व्हाट ए ब्लीस टू प्रेस, इतना मधुर लगता है, कितना अच्छा लगता है पिलो को प्रेस कर, पिलो को जकड़ कर सोने में, एंड लाई लिसनिंग द पैटर्न ऑफ साउंड रैन ओवर, और ऊंचे आसमान में बादल की आवाज कितना अच्छा सुनाई पड़ता है, किस समय? जब हम सोए हैं, कहां? कॉटेज के अंदर, राइट? कवि कह रहा है when the cloud that is full of rain moves over the sky in night, and that time the sound of the rain over the roof give me breathing, give me pleasure to press the pillow on the bed of a cottage chamber, right? Dusra stanza. Every tinkle of the single has an echo in the heart and a thousand dreamy fancies into busy being star.
and thousand recollection wave their air thread into oof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Kabhi kah raha hai isme, every tinkle of the tingle. Tingle means the droplet of the rain. Har ek barish ki har ek droplet jo girti hai rooftop ke upar has an echo on his heart. Unke hirday mein uski pratidhwani sunai padti hai. The tinkle has an echo in his heart. And a thousand dreamy fancies. Hajaron sapn ki jo fancies hai. Fancies matlab jiske bare mein hum kalpana karte hain. Aur hajaron kalpanaen start ho jati hain unke dimag mein. And thousand recollection web their air thread into. Bahut sundar yahan par metaphor ka use kiya hai kabhi ne. Aur hajaron recollection, hajaron yaadein bunne lagti hain hawa ke reshaon ke saath. In the thread of air, thousand of recollection web into woof, right? As I listen to the patter of rain upon the roof. Kab bhai aisa kab hota hai? Kabhi kehta hai us samay hota hai aisa jab ki main patter sound ko chhat ke upar sunta hu. In the dark sunny dark starry car. अंधेरी रात्रि के समय जब आसमान पर बादल छा जाते हैं और उसकी बूंदें गिरने लगती हैं, तो इस तरह का मुझे अनुभव होता है. आगे, now in memory comes to my mind. इस समय जो परिकल्पनाएं, जो कल्पनाओं का तार में बूंदता हूं, उसी समय मेरी माँ की मुझे याद आ जाती है. As she used in years ago, जो वो कुछ किया करती थी वर्षों पहले, क्या करती थी? To regard the darling's dream, मेरे प्यारे निंदों के लिए. Before she left till the dawn. Irm ka matlab hota hai before. Before she left them till dawn. Mujhe chhod deti thi sapno ke saath subah tak. Oh, I feel her fond look on me. Aur are are main to unki sundar chhavi, unki sundar tasveer abhi mujhe samne dikhai padti hai. As I listen to this refrain. Refrain means repetition. The repetition sound of the rain. Right, the patter sound of the rain regularly and continuously fill her fond look on me, which I played upon the single, which it played. जो कि sound यहाँ पर play का, क्योंकि music से इन्होंने related किया है, play मतलब होता है music instrument बजाना. Played upon the single, played upon the slide of the roof by the patter of the rain. रेन के पैटर से जो रूफ टॉप के ऊपर जो साउंड प्ले हो रहा है, उसमें मुझे मेरी माँ की भी याद आ जाती है. सो दिस पोएट्री, इन दिस पोएट्री इन फैक्ट द पोएट हैज ट्राइड टू रिकॉलेक्ट एंड रिमेम्बर हिज प्रीवियस थॉट. राइट, अपने इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने पुराने यादों को ताजा किया है. भिन्न हवा बारिश की बूंदों के साथ अनेक कल्पनाएं इनके मन में गूंज उठती हैं, और साथ ही साथ अंत में आते आते इनकी माँ की तस्वीर भी उनके सामने उभर आती है. वह माँ जो रात्रि में इन्हें छोड़ देती थी इनके सपनों के हवाले सुबह तक के लिए. ठीक है, तो यह है इस कविता का सार तत्व, एक मीनिंग. बच्चों, अब समय है इस कविता में प्रयुक्त किए गए कुछ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में देख लेने का. फिगर ऑफ स्पीच में सबसे पहले आप देख रहे हैं व्हेन द ह्यूमिड साउंड ओवर स्टेरियोस्फेयर. स्टेरियोस्फेयर के माध्यम से यहां पर कवि ने मेटाफोर का यूज किया है, एक तुलना किया है, एक कंपैरिजन किया है डायरेक्ट. जेंटली वीव्स इन द रेन, यहां पर पर्सोनिफिकेशन का यूज है यह. ठीक है, प्रेस इन द पिलो, यहां पर कवि ने रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड है, तो इसे हम अल्टरेशन बोलते हैं, इसका यूज किया है. ठीक है, और इसी तरह से इसमें कवि ने फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है. बच्चों, मुझे पक्का विश्वास है कि आपको यह कविता आप समझ में आ गई होगी. अब आपकी बारी है. जैसे मैं बार बार कहता हूं, यू आर द ऑनर ऑफ दिस चैनल, सो इट इज योर प्राइम ड्यूटी टू एक्सपेंड द पैरामीटर, एक्सपेंड द सर्कमफेरेंसेस ऑफ दिस चैनल. So just go ahead, subscribe my channel. Those people who has not subscribed till now, and those who has already subscribed,
to share and write your comments in the comments box. If you have any doubt, any question regarding your any chapter of your syllabus, just go ahead, write your comment, and I make you sure that without losing the time, your problem will be rooted out. And do not forget to press the bell icon so that whenever I put some updates in that channel, you will be notified. Right? Thanks. Bye.